प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इस बार मैं फिर आऊंगा। पीएम मोदी की इस घोषणा का सत्ताधारियों ने स्वागत किया। विपक्ष ने मोदी की इस घोषणा पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा, हमने घोषणा सुनी थी कि मैं महाराष्ट्र में भी वापस आऊंगा। सभी ने देखा कि आगे क्या हुआ। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने मोदी के ऐलान व दोबारा आएंगे को इंडिया शाइनिंग से जोड़ा और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अभियान का हवाला दिया। राउत ने कहा, वाजपेयी ने कहा था इंडिया शाइनिंग, लेकिन शाइनिंग नहीं हुई। संजय राउत ने मोदी को चुनौती दी है कि कांग्रेस सत्ता में आ गई है। संजय राउत ने इंडिया अलायंस की बैठक पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, इस बैठक के मेजबान उद्धव ठाकरे हैं। अब तक 27 पार्टियों के शीर्ष नेताओं को निमंत्रण भेजा जा चुका है। 5 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इस बार मैं फिर आऊंगा। पीएम मोदी की इस घोषणा का सत्ताधारियों ने स्वागत किया। विपक्ष ने मोदी की इस घोषणा पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा, हमने घोषणा सुनी थी कि मैं महाराष्ट्र में भी वापस आऊंगा। सभी ने देखा कि आगे क्या हुआ। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने मोदी के ऐलान व दोबारा आएंगे को इंडिया शाइनिंग से जोड़ा और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अभियान का हवाला दिया। राउत ने कहा, वाजपेयी ने कहा था इंडिया शाइनिंग, लेकिन शाइनिंग नहीं हुई। संजय राउत ने मोदी को चुनौती दी है कि कांग्रेस सत्ता में आ गई है। संजय राउत ने इंडिया अलायंस की बैठक पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, इस बैठक के मेजबान उद्धव ठाकरे हैं। अब तक 27 पार्टियों के शीर्ष नेताओं को निमंत्रण भेजा जा चुका है। 5 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे।